हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरी चैनल पे टू वॉच अनदर न्यू ब्लॉग 7 ट्रेवल टू कुल। तो इस पैंडेमिक और इस कोरोना वायरस के लिए लास्ट वन एंड हाफ ईयर से मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ, और जो भी गई हूँ जस्ट फॉर डे टूर के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ कुर्ग में, और वो भी टू नाइट्स के लिए। तो चलिए, तो ऑलमोस्ट कुर्ग में एंटर करने से पहले जो जो चीज़ आपको दिखाई मतलब देख आपको यू हैव टू विजिट, तो उसमें से एक है कुशल नगर में बुद्धिस्ट टेम्पल, जो इस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए अभी बंद है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ये है एक मतलब एलिफेंट कैंप है, जहाँ पे यहाँ पे एलिफेंट को मतलब दे आर टेकिंग केयर अबाउट एलिफेंट्स एंड ऑल। तो एक्चुअली मैं पहुँचते काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं, तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब एलिफेंट कैंप बंद हो चुका है, 11:15 के अंदर आपको आना पड़ता है। तो वो तो मैं अभी देख नहीं पाऊँगी। मैं जिस दिन मैं फिर से रिटर्न जाऊंगी बैंगलोर, उस दिन मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे पानी जैसा है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, बट कुर्ग में ये मेरा सेकंड टाइम है। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे भी, तब भी बोटिंग होती थी, बट तब मोटर की बोट थी। पर अभी आपको खुद को ये राफ्टिंग करनी होती है, क्योंकि पानी बहुत कम है इसलिए। तो आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे कुछ शॉप्स भी है, आप चाहो तो कुर्ग की कुछ सुवेनियर्स वगैरह आप यहाँ पे ले सकती हो। तो चलिए थोड़ा बहुत देख चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मतलब कि इसको क्रोशे कहते हैं, हाथ से बनाते हैं। तो ये क्रोशे का चीज़ है, सामान है यहाँ पे कुछ, जैसे जैकेट्स हो गया, टॉप स्कर्ट ऐसा कुछ है। ये प्योर कॉटन मतलब थ्रेड से बनाया होता है, बट इस शॉप में शॉपकीपर नहीं है। तो यहाँ पे कर्नाटक मैसूर कावेरी सिल्क और आर्ट एंड क्राफ्ट की एम्पोरियम है। तो चलिए यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। एक्चुअली मैं अंदर में वीडियोग्राफी नहीं कर सकती, मे बी दे आर क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, तो मैं बाहर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाहर धूप काफ़ी है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा वुड में बनाया हुआ है। दे आर टेलिंग इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ चंदन वुड, बट आई डोंट थिंक सो। उसके पास में एक छोटा सा क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट की शॉप है, जहाँ से आप लोग ऐसे मतलब, पर हाँ पैंडेमिक की वजह से आपको शूज को खोल के एंटर होनी होती है यहाँ पे। ये देखिए, जैसे मार्बल की छोटा सा दिया, और यहाँ पे भी क्रोशे की कुछ सामान है, और यहाँ पे मेनली जो है जैसे बैग है, बैंगल्स है, ब्रेसलेट, उसके बाद इयर रिंग्स, ये सब कुछ है। बट ओवरऑल कलेक्शन भी मतलब अच्छी है, और मतलब प्राइस भी उतना मतलब कॉस्टली भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस है। तो चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे दुकान का लुक ले लेती हूँ मैं। एक्चुअली मतलब ये जो इयर रिंग्स आप देख रहे हो ना, ये कोई 300 के करीब है ये सारे इयर रिंग्स, बट काफ़ी अच्छी है, मतलब लेटेस्ट डिज़ाइन के है। पर हाँ, कुछ कुछ इयर रिंग्स है जिसे आप नॉर्मली ज़्यादा इयर रिंग्स को आप इंडियन वेयर के साथ ही कैरी कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है, आप किसी भी इंडियन वेयर के साथ इसे आप कैरी कर सकते हो। उसके बाद भला वो रेड कलर का भी काफ़ी अच्छी है, ये सारे 300 रुपीज़ का है। ये सारे, ये तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि हाँ ये सारे हैंडमेड है। और चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ, पता नहीं कुछ आई वॉज स्टक हेयर। तो चलो मैं इसे ले ही लेती हूँ, आई लव इट। तो इधर में देखिए कुछ गले का भी है, जैसे ये सारे जो है ना, ये एक्चुअली सेरामिक में बनाया हुआ है, कुछ ग्लास में भी किया हुआ है। ये जैसा है ये सेरामिक का है। इधर में कुछ पोस्टर वगैरह भी है, टेबल मैट, फिर उसके बाद मतलब बीट्स का कुछ ज्वेलरी भी है। देखिए ये बीट्स का है, स्टोन टाइप कुछ बीट्स का है ये, बट जिन लोगों को पसंद है इजीली बैंगल्स, काफी सारी चीजें। मैंने एक ब्रेसलेट और एक
इयररिंग्स मैंने यहाँ पे लिया है। धूप काफी ज्यादा है यहाँ पे, काफी अच्छे स्टोन के स्कल्पचर भी है, जैसे ये बुद्धे की मूर्ति और ये, तो वहाँ के मेरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने कोई होटल वगैरह नहीं लिया है, ये एक होम स्टे है। और मैंने पता लगाया था कि इस होम स्टे में एकदम खाली है, मतलब इतना कुछ कोई नहीं है, और ये एक बजट फ्रेंडली टूर भी है, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर किसी को मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, या लक्सरी होटल या लक्सरी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और नॉर्मली जो लक्सरियस होटल है ना, वो सारे सिटी के एकदम मेन पॉइंट में रहता है। मैं यहाँ पे जो रही हूँ, एक 45 एकर्स की लैंड है जो है कॉफ़ी एस्टेट, उसके अंदर में है ये होम स्टे। तो चलिए एक बार, पहले हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हूँ मैं होम स्टे में, तो एक बार पहुँचते हैं और देखते हैं कैसा है। क्योंकि दोनों साइड में आप जो पेड़ देख रहे हो ना, ये एक्चुअली सारे कॉफ़ी की ट्री है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और आई थिंक ये मैनेजर है यहाँ का। तो ये है मेन एंट्री, और पास में आप जो सीढ़ी देख रहे हो ना, उस सीढ़ी से हमें ऊपर में जाना होता है। उधर में ऊपर में घर है, मतलब रूम ऊपर में है। तो चलिए, रूम के टूर करने से पहले मैं थोड़ा आपको आसपास की जगह को दिखा देती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बजने के हुए, और मैं जब कूर्ग में, जब मैं एलिफेंट कैंप में गई थी, तब जितनी धूप थी, अब कूर्ग के अंदर इधर में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब यहाँ पे आई तो वो मैनेजर कह रहा था कि हाँ, कुछ देर पहले यहाँ पे बारिश हो चुकी है, तो जो अभी का जो मतलब वेदर है काफ़ी प्लेजेंट है। और कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से मेरे चैनल में मतलब काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं गया है, तो अभी इसे मैं कंटिन्यू होने की कोशिश करूँगी, क्राइसिस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए फिर आपको को थोड़ा टूर करवाती हूँ इस कॉफ़ी एस्टेट की। सारे कॉफ़ी के पेड़ में ऐसे नंबर्स लिखा हुआ होता है कि हाँ, उसमें पता चलता है कि मतलब ग्रेड पता चलता है। कूर्ग में 2 टाइप की कॉफ़ी होती है, अरेबिक कॉफ़ी यहाँ पे नहीं होता है। एंड ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये है जो ये एस्टेट है कॉफ़ी की एस्टेट की, जो ओनर है उसका घर है। इधर में ये देखिए, ये सारे टैपियोका की पेड़ है। टैपियोका आपको पता होगा कि टैपियोका से जो हम लोग साबूदाना खाते हैं ना, वो साबूदाना इस टैपियोका से मिलता है। टैपियोका भी एक्चुअली वो आलू की तरह होती है, जो मतलब ज़मीन के नीचे उगता है वो। तो ये सारे पेड़ जो है, ये टैपियोका की पेड़ है। इधर में कॉफ़ी एस्टेट में कॉफ़ी के कॉफ़ी को छोड़ के भी काफ़ी सारे है, मतलब वेजिटेशन है। जैसे ये देखिए, इसे एक मतलब ये चिली है, मतलब ये साइज में ऐसा ही रहता है, इससे बड़ा साइज यहाँ पे होता नहीं है। मुझे पता नहीं, इस टाइप की चिली शायद आसाम की तरह मिलता है, पर ये छोड़ के कहीं पे भी मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता ये, बट ये चिली कूर्ग की स्पेशलिटी है। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। एक्चुअली माई पर्सनली आई लव इट। ये जैस्मिन है और ये वन ऑफ माई फेवरेट फ्लावर है। तो नीचे कॉमेंट करके मुझे बताइए किस किस को ये जैस्मिन फ्लावर पसंद है। तो देखिए, शाम हो चुका है, एकदम अंधेरा होने के है। ये जो पीछे आप लाइट देख रहे हो, यही है हम लोगों का कॉटेज, जो होम स्टे हमने लिया है। तो एक्चुअली इस एक इधर में मतलब इस कॉफ़ी स्टेट में ऐसा कोई जंगली जानवर तो है नहीं, क्योंकि ये सराउंडिंग है पूरा, बट यहाँ पे कुछ जंगली कैट्स वगैरह आते हैं। तो इधर में हंटिंग मतलब एक्चुअली काफ़ी सारे स्टेट ऐसा है जहाँ पे आपको हंटिंग मिलेगा, पर यहाँ पे नहीं है। तो चलिए रूम टूर कर लेते हैं। जो रूम हमने लिया है, फैन है, क्योंकि रात को यहाँ पे एसी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी एसी वाला रूम भी है, हमने नहीं लिया है।
ये बेड है, मतलब एक बड़ा बेड है, उसके साथ एक छोटा भी बेड है, तो तीन लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से रह सकते हो, कोई भी मतलब नई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाथरूम है वो भी एकदम मतलब क्लीन है और गर्म पानी भी है। तो चलिए फिर एक बार अब डिनर की बात। तो इधर में एक बड़ी सी कॉरिडोर है जहाँ पे ये लोग डिनर सर्व करते हैं, और जो भी आप कहोगे, ये होटल की तरह नहीं है कि हाँ मेनू कार्ड देखो और बोलो कि दे देंगे, ऐसा नहीं है। पर फिर भी आप अगर पहले से इन लोगों को बोल देते हो कि हमको क्या चाहिए, तो दे विल अरेंज इट। तो हमने रात को कहा था रोटी, ये उन लोगों के पैकेज के अंदर ही है एक्चुअली, जो रूम कॉस्ट है उसके साथ ही ये इंक्लूड है, मॉर्निंग की कॉम्प्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट और रात की डिनर। तो डिनर में ये एक सब्जी है, ये बैगन और बीन्स और आलू की एक सब्जी है। खाने का स्टाइल थोड़ा बहुत नॉर्थ इंडियन थोड़ा बहुत साउथ इंडियन मिक्स्ड है। तो यहाँ पे बॉयल एग है, एक्चुअली एग मेनू में था, तो किसी को कड़ी नहीं खानी थी तो इसलिए बॉयल एग मंगाई है। और राइस भी है, मतलब खाना जो है वो एकदम गर्म है, ठंडा भी नहीं है बिल्कुल, मतलब रेडी करने के बाद ही वो लोग देखे जाते हैं। और यहाँ पे राइस है, और देखते हैं और क्या है खाने में। पर खाने का मतलब स्मेल काफी अच्छा है। और देख चलिए देखते इधर में क्या है, क्या है। ओ गॉड, हाँ यहाँ पे दाल है, ऑलमोस्ट ये सांबर दाल की करीब है ये दाल। अगर आपको पसंद नहीं तो आप इन लोगों को बोल सकते हो, तो आप उस हिसाब से ये लोग बना के देंगे। और इसमें क्या है, इसमें खुल जा सिमसिम, हाँ चलो खुल चुका है। इसमें है अंडा करी, और क्या है, और क्या है, और क्या है, अच्छा यहाँ पे खीर है, और वो सिमाई जो होती है ना उसकी खीर है इसमें। और हाँ इसको तो मैंने दिखाई दिया है आपको, बैगन। अगर जिसको बैगन में एलर्जी है वो कह सकता है कि हमें ये इसकी सब्जी खानी है, तो ये लोग उसी सब्जी खिला देंगे, मतलब सॉरी बनाएंगे। और ये जो डब्बा है ये मुझसे नहीं खुल रहा है, काफ़ी टाइट है। तो इसमें भी एक सीड्स की कुछ सब्जी है जो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ सुबह से, मतलब धूप में और इधर में ट्रेवल करके। तो अब मैं डिनर कंप्लीट करती हूँ और सोने जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह को। सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि इस कॉफ़ी स्टेट की कैसा लुक है, और फिर फूड में और कहाँ कहाँ घूमने जा सकते। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव लव, बाय।